4 प्लस 4 प्लस 4 फिर प्लस 4 हो गया और डिवाइड यहाँ पर प्लस 4 डिवाइड 4 दिया है। इस तरह क्वेश्चन दिया है और इसको एक झटके में कैसे आंसर देते हैं इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए अंतर समझिएगा, ये ब्रेकेट का मतलब ये इसको एक साथ सॉल्व करना है, तो 6 ऐड करेंगे 4 टाइम्स तो कितना मिलेगा 24 और डिवाइड 6 है तो डिवाइड 6। नीचे देखिए ये एक साथ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेकेट था इसलिए हम इसको एक साथ करेंगे। ब्रेकेट वाला पहले किया था लेकिन यहाँ ब्रेकेट नहीं है, पहले डिवाइड वाला हम करेंगे यहाँ पर। तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, अब देखिए 4 4 8 8 4 12 12 और 1 यहाँ से मिलेगा कितना 13। अब देखिए 24 में 6 से भाग देंगे, 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 और नीचे 13 है तो 13, और यही रहा आपका सही जवाब। ऑप्शन देख लेते हैं आपका 4/13 ऑप्शन आपका सी आपका सही जवाब रहा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 3 प्लस 4 डिवाइड 2 इंटू 3 और नीचे दिया है 4 प्लस 3 इंटू 2 और डिवाइड 3। देखिए इसको एक झटके में कैसे आंसर देते हैं, 4 में पहले बोर्ड मास में ना पहले डिवाइड वाला हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखिए अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2 यहाँ 3 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 6 और 3 9। नीचे देखिए पहले डिवाइड करेंगे तो ये 3 जो है ना ये नीचे आ जाएगा, ये 3 3 कैंसिल, 4 और 2 कितना 6 कैंसिल होगा, 3 3 जाना है 3 2 6 तो यहाँ बच गया 3/2। आपका ऑप्शन रहा सही जवाब सी आपका सही जवाब रहा। देखो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 27 × 2³/18 और नीचे दिया है आपका 6 ये रहा, और इसमें का सभी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन इसमें का कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड है वो सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपकी सभी पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको एक झटके में, 2 के पावर देखिए 27 है तो 27 × 2³ का मतलब होता है 8 और डिवाइड 18 है तो डिवाइड 18 कर दीजिए, और पहले से 6 नीचे डिवाइड में दिया है तो 6 इसको भी वैसे ही लिख दीजिए। देखिए 9 2 = 18 9 3 = 27 अब देखिए 3 2 = 6 और 8 में 2 से 2 2 = 4 2 2 = 4 4 2 = 8 तो कितना आया आंसर आपका 2 आपका आंसर है, ऑप्शन आपका बी सही आपका सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 1 expression 1/2 नीचे 1 + 1/1 + 1/4 देखिए इसको कैसे करते हैं, वैसे इसको करने के लिए एक झटके में कर सकते हैं, पहले आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए 3 1 sorry 2 1 या 2 2 और 1 3/2 हो गया ऊपर, नीचे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस ये 4 ऊपर चला गया और नीचे 4 और 1 5 ऐसे करते हैं, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 5 लिख देते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह आपको दिखे ना इस तरह दिखे तो 4 और 1 5 और नीचे 4 है तो 4 ऐसे सॉल्व कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3/2 और नीचे हो गया आपका यहाँ पे 1 है ना तो दोनों को जोड़ दीजिए 4 और 5 9 और नीचे 5 है तो 5 या आप ऐसे कर सकते हैं इसको आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 और 5 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया, देखिए 3 3 = 9 5/6 हो गया, कितना आंसर हो गया 5/6 आपका सही जवाब रहा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आपका सही जवाब रहा। देख रहे हैं एक झटके में हो रहा है, इसको एक और तरीका है आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं झटके में देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, केवल इसको अगर सॉल्व करना होगा ना तो देखिए ये तो 3/2 होगा दिख रहा है 3/2, इसको कैसे सॉल्व करें देखिए 1 है तो 1 और नीचे 4 है तो 4। अब देखिए कितने स्थान तक लिखा गया है 1 2 1 2 2 लाइन लिखा हुआ तो 2 आप स्थान बना दीजिए, 2 जगह आप बना दीजिए। अब देखिए 4 और 1 5 5 और 4 9 अब राइट साइड में क्या है 9 नीचे क्या है 5, यानी इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिला कितना 9/5 यहाँ लिखे 9/5 ऊपर करेंगे और 9 नीचे रह जाएगा, अब देखिए 3 3 = 9 ऊपर 5 नीचे 3 2 = 6 आपका सही जवाब है, देख रहे हैं बस एक झटके में आंसर दिया जाता है इस तरह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिएगा क्या है 1 + 1/x + 1 फिर दिया है 1 + 1/x + 2
फिर यहाँ पर दिया है 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 और यहाँ दिया है 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4 ऐसे दिया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक झटके में, देखिए इसको एक झटके में कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखिए। यहाँ पर x प्लस 4 में ना 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 और नीचे x प्लस 1 दिख रहा है तो x प्लस 1 यही आपका सही जवाब रहा। देख रहे हैं एक झटके में ऑप्शन आपका सही रहा है कितना, ऑप्शन आपका सी आपका सही जवाब रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है कि 999/7, 999/2/7, 999/3/7 इस तरह 6/7 तक दिया है, एक झटके में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 999 लिखा हुआ लिख दीजिए, उसके बाद देखिए कितना टाइम्स लिखा गया, कितना बार लिखा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस दे दीजिए। अब देखिए इस सब का काम खत्म, 999 का काम खत्म, बच गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। कैसे करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम रहता है ना तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 5, 15, 15 और 6, 21 और सभी जगह आपको नीचे डिनोमिनेटर में 7 दिख रहा है, 7 लिख लीजिए, 7 3 जा कितना 21 मल्टीप्लाई करके 6 को ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 9 6 जा 9 6 54 5 फारसील हुआ और 9 6 जा 54 और 5 59 और इसमें 3 ऐड कर देना है तो आपको मिल गया 5 9 9 7 आपका सही जवाब रहा। ऑप्शन देख लेते हैं आपका सी सही आपका सही जवाब रहा।